नेक्स्ट पार्ट है, हम देखेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जहां पिछले पेपर्स में लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में राइट रिस्पांस या रॉन्ग रिस्पांस प्रोबेबली सबसे ज्यादा कौन से होते हैं। फर्स्ट है टैग वर्ड मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंगुअल, डाइवर्स क्लासरूम। ये तीन वर्ड अंडरलाइन कर लेने चाहिए। और हिंदी में है बहुसंस्कृति, बहुभाषी और विविध कक्षाओं से सीखने के लिए एक साधन बाधा नहीं है। विविध जो क्लासरूम है जिसमें डाइवर्सिटी बहुत है, डाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज के रूप में भी हो सकती है। बच्चे हिंदी के हैं, पंजाबी के हैं, दूसरी भाषा के हैं, किसी और भाषा के हैं, अच्छा विभिन्न कल्चर से संबंधित है, बच्चे डिसेबल्ड हैं, नॉर्मल हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, डिसलेक्सिक हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को चौथा क्वेश्चन क्या बनता है, एज ए रिसोर्स यूज करना है। जो डाइवर्सिटी है उसको एज ए ऑब्स्टेकल नहीं यूज करना चाहिए, वो ऑब्स्टेकल उसको मानना ही नहीं है, है ही नहीं है। वो टीचर अच्छा है जो डाइवर्सिटी को रिसोर्स मानता है। और अगर ये ऑप्शन दिया गया है कि डाइवर्सिटी एक प्रॉब्लम है तो वो रॉन्ग रिस्पांस होगा, अगर रिसोर्स है तो वो राइट रिस्पांस होगा। रिसोर्स मीन कि वो डाइवर्सिटी जो भिन्नता है उसको आप यूज कर रहे हो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेटर करने के लिए। एक बच्चे को हिंदी आती है, दूसरे को इंग्लिश अच्छी आती है, तीसरे को पंजाबी आती है, तो आप एक को दूसरी भाषा सिखाने के लिए जब कह रहे हो तो वो डिफरेंसेस का, डाइवर्सिटी का, इंडिविजुअल डिफरेंस का, वेरिएशन का प्रयोग हो गया, वो हो गया रिसोर्सेज। अच्छा ये एग्जाम्पल है मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है कि एक ही वर्ड उसको एक भाषा में, दूसरी भाषा में, तीसरी भाषा में, चौथी भाषा में, पांचवी भाषा में, हमारी भाषा में नमस्ते जैसे बोलते हैं। तो एक अच्छी एक्सरसाइज होती है। ऐसी एक्टिविटी जहां करवाई जाती है लर्निंग एनवायरनमेंट, वहां पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी, कंस्ट्रक्टिविज्म ने भी और न्यू मॉडर्न थ्योरीज ने भी उसको प्रमोट का किया है। ये रिलीजन की एग्जाम्पल है, प्यार बढ़ता है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज फॉर पार्टिसिपेशन। जब पार्टिसिपेशन वर्ड आएगा तो अटैक कर दीजिए, पॉजिटिव हो सकता है। हाँ, वो स्पोर्ट्स में है, कल्चरल आर्ट क्लब में है, इको क्लब में है, एक्टिविटी क्लब में, कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स में है, किसी में भी है। ये जितने भी वर्ड यूज किए गए हैं ये बच्चे की एक्टिवनेस को ही बता रहे हैं। वो एक्टिवनेस किसमें, चार एरिया जो पीछे बताए हैं, तो हिंदी में भी है, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा नेक्स्ट, एजुकेशन पॉलिसी में एक बात सुजेस्ट की गई है काउंसलिंग सिस्टम, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बच्चों का बढ़ रहा है एग्जाम के कारण, फॉर हैंडलिंग स्ट्रेस एंड इमोशनल एडजस्टमेंट, तनाव और भावनात्मक समायोजनाओं से निपटने के लिए परामर्श प्रणाली, परामर्श प्रणाली यहां पर ये राइट आंसर होगा। अच्छा हम बात कर रहे हैं लर्निंग एनवायरनमेंट की, लर्निंग एनवायरनमेंट इंक्लूसिव होगा, इंक्लूसिव समावेशी होगा, है ना। एवरी स्टूडेंट विल फील, दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, वेलकम्ड, और दूसरा शब्द है कि फील वेलकम हो, ये दोनों को साथ में फ्रेज के तौर पर यूज किया जाना चाहिए, और केयर्ड फॉर, और उनकी संभाल हो, प्रत्येक छात्र स्वागत और देखभाल महसूस करता हो, अगर ऐसा है तो अच्छा एनवायरनमेंट है, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट है। तीसरी बात, सेफ एंड स्टिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। सेफ मीन कि फॉर एग्जांपल जो डिसेबल्ड हैं क्या उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। दूसरा के स्टिमुलेटिंग मतलब के मोटिवेटिंग, मोटिवेशनल एनवायरनमेंट है, करेज ना किसी बच्चे को किया जाए, सुरक्षित और उत्तेजक सीखने का माहौल मौजूद होना चाहिए अच्छे में। तो अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो आप राइट रिस्पांस दोगे उसको। हाँ एक्सपीरियंस जहां भी आता है वर्ड आप अटैक कर सकते हो एक्सपीरियंस। हाँ ये मैं पिछले वीडियो में बताई है कि एक्सपीरियंस से भी अच्छा शब्द रिफ्लेक्शन है, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस पर ही जो सोचते हैं हम वो रिफ्लेक्शन होती है, पीछे एग्जांपल देके आया हूं। तो अगर वाइड रेंज साथ में आ गया, वाइड रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, इट मींस ये बेटर ऑप्शन होगा, राइट आंसर। सीखने के अनुभवों को एक विस्तृत श्रृंखला, है ना, हिंदी में थोड़ा सा वर्ड का मीनिंग बदल जाता है, दैट इज व्हाई आपको इंग्लिश भी साथ साथ में पढ़नी चाहिए। गुड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इंडियन क्लासरूम में अभी भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तो ये है कि बच्चों के लिए बेंच, चाक बोर्ड, ये सब कुछ हो, लेकिन साथ में फॉर एग्जांपल अगर कोऑपरेटिव लर्निंग, चलो मैं इधर चलता हूं।
फॉर एग्जाम्पल कोऑपरेटिव लर्निंग सुजेस्ट की जाती है, बार बार ग्रुप वर्क कहा जाता है, क्लासरूम में ग्रुप वर्क को यूज करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बार बार आया है, लेकिन इंडियन क्लासरूम में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि ग्रुप बनाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए राउंड टेबल और चेयर्स अकॉर्डिंगली, ऐसा एनवायरनमेंट अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन टीईटी में राइट आंसर ऐसा एनवायरनमेंट को ही कहा जाएगा। तो गुड फिजिकल एनवायरनमेंट, अच्छी भौतिक अवसंरचना जो पीछे दिखा के आया हूं मैं, और सीखने के अनुकूल उपयुक्त संसाधन सभी शास्त्रों के लिए, ये दिस इज इंपॉर्टेंट के रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन ऑल इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंक्लूसिव एनवायरनमेंट इसी से बनेगा। दूसरा वर्ड है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव टू लर्निंग, ये बार बार क्वेश्चन आता है, कंड्यूसिव टू लर्निंग, ये बेस्ट आंसर होता है, इसको आपने टिक पॉजिटिवली करना है।